ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 23/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा माधुबन। आज के शिव भगवानों बाज रूहानी पिता के रूहानी बच्चों के लिए महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण के मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। आज का प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, सेंसिबल बच्चे उच्च पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। कौन आत्मा आई है ना तकदीर जगा कर। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का जन्म तो होता ही नहीं। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ है, शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म बदन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं, यह तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाएं तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने कारण बाप को आना ही है संगम पर। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। यह ओपिनियन में कोई नहीं लिखते हैं कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है कि बाप आया हुआ है। बाबा कहते, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। हजारों आते हैं फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। यह योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करो, विकर्म कराने वाला है रावण, उनकी मत पर नहीं चलो। कोई को दुख ना दो, बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं, तुम्हारा भी यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं।
बाबा कहते रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सत्व प्रधान बनेंगे, यह है अविनाशी सृजन की दवाई। यह कोई मंत्र आदि नहीं है, यह तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं, कल्प कल्प यह समझाया था। गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान फिर भक्ति, फिर भक्ति के बाद वैराग्य। वैराग्य किसका? इस पुरानी छीछी दुनिया का। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं, कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेटर किससे करना है? लिबरेट किससे करना है? बाबा कहते दुख से। तो रावण राज्य से। दुख किस में है? रावण राज्य में है ना, तो लिबरेट भी उसी से करेंगे। तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं, बेहद का बाप सब बच्चों को खातरी देते हैं, तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूँ। मेले प्रदर्शनी में भी यह मॉडल रूप में दिखाया गया है, कैसे सब जेल में पड़े हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही हैं। बाप कितना सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाए। बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी, फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म। ब्रह्मा द्वारा स्थापना यह लिखा हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर वन। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। यह भी समझाया है, एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते हैं, क्रिएटर बाप है ना, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक परमपिता परमात्मा है ना, हेवनली गॉड फादर, दूसरा कोई तो है नहीं। पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए, ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है नॉलेज काहे का। क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? क्या बैरिस्टर सर्जन की नॉलेज से दुनिया में सर्वात्माओं की सदगति होगी? तो कौन सा नॉलेज जो ज्ञान सागर पतित पावन जिनको कहा जाता है वो आकर के क्या करते हैं और उनके ज्ञान से क्या होता है और उनके पास कौन सा ज्ञान है? तो उनके पास हम आत्माओं का, इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का, आदि मध्य अंत का, आदि से जो चारों युगों का, तीनों कालों का, और आत्मा की गति दुर्गति सदगति, यह नॉलेज है परमपिता परमात्मा के पास, है ना। वह कोई थॉट रीडर नहीं है,
वह तो आत्मा के बारे में जानते हैं। हाँ, जो उन्हें याद करते हैं निरंतर, उनके बारे में जरूर वह जानते हैं, क्योंकि हर पल जब हम हर कर्म में हर संकल्प में उसे याद कर कार्य करते कर्म करते तो उसे हमारी दिनचर्या के बारे में पता रहता, और जो याद ही नहीं करते तो उनके थॉट के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते। थॉट रीडर तो यहाँ होते हैं, फिलॉसफर वगैरह, है ना, जो अलग से शरीर निर्वाह मात्र पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह बाबा हमें कहते हैं कि परमात्मा को जो नॉलेज है, क्या वो बैरिस्टर सर्जन का है? नहीं, परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है, बैरिस्ट्री इंजीनियरी आदि सब का मूल माखन है गॉडली नॉलेज। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो तुम जानते हो। सतयुगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वही वहां चलेगी। हमने जैसे कल्प पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे, उसको कहा ही जाता है सतयुग। वहां के रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते, वहां कैसे हीरे जवाहरों के महल बनते हैं वह गाए ही जाते हैं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। तो जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी, वह ड्रामा में नोंद है। आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगी, मकान कैसे बनाएंगे कैसे रहेंगे वह सब नोंद है। जैसे इस पुराने दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी, यहाँ है असुर वहां है देवता। शास्त्रों में यह बातें कुछ नहीं है, ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं, ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, इसलिए बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद यह बनते हैं, उन्हें ब्रह्मा सो विष्णु बनने में और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में। तो विष्णु से ब्रह्मा बनने में उन्हें 84 जन्म लगते हैं, और फिर यह एक जन्म वो चढ़ती कला अर्थात विष्णु से ब्रह्मा से विष्णु बनने में। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है ना बाबा कहते। तो इस तरह ब्रह्मा सरस्वती ही जो यहाँ है अभी चाहिए ना, तो वही फिर लक्ष्मी नारायण है। तो इसीलिए बाबा ने समझाया है कि जो लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म जब लेते तब वह यह बनते ब्रह्मा सरस्वती। राजयोग के तपस्या करते ही यहाँ है, ना कि विष्णुपुरी में, सूक्ष्म बतन में नहीं करते। यह बाबा कहते यज्ञ आदि भी यहाँ रचा जाता है, पाप समझाते हैं यह अंतिम यज्ञ है। फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, यज्ञ करते ही हैं जब दुखी होते हैं, है ना। और यह भी जो रुद्र महा यज्ञ है, रुद्र ज्ञान रुद्र यज्ञ, तो वह भी यहाँ संगम पर ही होता है। और यह सब जो भी हम यहाँ आदि मध्य अंत का जो ड्रामा समझते हैं बुद्धि से, हम तीनों कालों चारों युगों की जो यात्रा करते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, सुख दुख का जो भासना आती है, जो ये रिश्ते आदि हम जो यहाँ अनुभव करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ जब परमात्मा यह ज्ञान देते हैं तभी यह सब हमें अनुभव होता है, नहीं तो यह सब
ड्रामा में जो है वैसा ही चलता रहेगा, है ना। कोई द्वापर तक यह सब कलयुग में भी कुछ नहीं, जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक हमें ये चारों युगों का कोई भी ये दिव्य दृष्टि के बिना कुछ भी असंभव है, जो कि सिर्फ परमात्मा ही आकर के हमें बताते हैं। तो यही तो नॉलेज है ना उनके पास। तो पापा कहते अब ये नॉलेज में रख करके करूंगा क्या, मैं तो कोई राजा ही करता नहीं हूं, तो ये नॉलेज दूंगा ना, क्योंकि मेरे को तो यहाँ आना नहीं सदगति दुर्गति में, जन्म मरण से न्यारा हूं मैं। तो पापा कहते हैं इस तरह से सूक्ष्म बतन में तो कोई तपस्या राजयोग करेगा नहीं, या गादी भी यहाँ ही रचा जाता है, और बाबा समझाते भी हैं कि यह है अंतिम यज्ञ, फिर सत्युग त्रेता में कुछ नहीं। किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं, बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, है ना, कि बोलेंगे कि इंद्र देवता जो है वर्षा करते तो इंद्र देवता को खुश करते हैं, जबकि ये ज्ञान जो ज्ञान सागर पिता ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म मुख द्वारा जो ये ज्ञान वर्षा करते हैं ना, फिर इंद्र इंद्राणियां जिसे कहते हैं, जो ज्ञान नदियां निकली हुई हैं, ये सब क्या हैं, इंद्र हैं, यही हैं इंद्रियां। तो पापा कहते हैं जो ज्ञान वर्षा करके फिर क्या करते हैं, विश्व में शांति सुख। तो पापा कहते हैं फिर यहाँ तो किस्म किस्म के यज्ञ रचते, वह सब यही का है। पापा कहते बरसात नहीं तो भी यज्ञ रचेंगे, कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं, शांति पाठ रचते हैं, तो समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे। यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं, यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया है, यह भी अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। यज्ञ जो हाल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। छोटे छोटे गांव के लिए जो तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में बत्ती आदि ना हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है, अपना ही सामान हो। लोन पर क्यों ले वे? बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को, वाटरप्रूफ मंडप बना ले वे, भल बरसात पड़े हर्जा नहीं। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे ब्रह्मा बाबा। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं, प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो, कोई विघ्न ना डाले। अच्छा इंश्योरेंस कर दो, सर्विस तो करनी होती है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो हम बाप के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। सत्ययुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं मैं सदगति के लिए आया हूँ, फिर रावण से दुर्गति होती है। सदगति दाता तो एक बाप ही है। कितना क्लियर समझाया जाता है परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं यह मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझें उसके लिए फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते हैं, सिर्फ यह समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं। रावण को क्यों नहीं पुकारते, रावण को क्यों जलाते हैं और राम राम क्यों जपते हैं, कहते हैं कि राम का नाम से मर लो तो आप वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी नैया पार लग जाएगी। तो कौन सा राम, कौन सा नाम से, कौन से नाम से मरने से क्या होगा, तो यह यथार्थ रीति यहाँ बाप बैठे समझाते हैं, तो बुद्धि से उसे समझना है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं, श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं। गाते रहते हैं दुख हरो सुख दो,
दुखहरता सुखकर्ता करते आरतियों में गाते हैं, मैं मूर्ख खलकामी तुम सेव, मैं सेवक तुम स्वामी, है ना, से गाते। तो पापा कहते हैं गाते रहते हैं, यह भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, है ना। कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये सब गाते थे भक्ति काल में। तो पापा कहते अब मैं आया हूँ, है ना। तो पापा कहते हैं बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चढ़ते नहीं। मनुष्य को तो पता नहीं भगवान क्या चीज है, सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, यह सर्वव्यापी कैसे होगा, फिर तो सब भगवान कहलाएंगे। आत्मा सो परमात्मा सर्वव्यापी, कण कण में, ठक्कर बितर में, कच्छ मच्छ में, सब में कहेंगे, पांच तत्वों में। तो बाबा कहते हैं फिर तो सभी भगवान कहलाए हैं। तो भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़े ही होता है। तो अब भगवान कहते ही फिर बुद्धि क्यों ऊपर की ओर चली जाती है, नीचे की ओर क्यों नहीं जाती बुद्धि, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कोई भगवान थोड़े छोटा बड़ा होता है, प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है। कोई मांस खाते हैं, कोई लड़ते हैं, क्या यह सब भगवान करते हैं। यदि कण कण में होता भगवान, सर्वव्यापी होता, तो जो मांस आते मदरा आदि जो भी पीते हैं, जो इस तरह से कर्म करते हैं विकर्म, तो क्या वह अगर इस तरह से कण कण में होता तो भगवान आकर के रोता नहीं, रोकता नहीं क्या। इतना पाप जास्ती होता यदि जगह जगह भगवान होता, तो पाप करने से क्या भगवान आकर रोकता नहीं, जरूर रोकता, लेकिन वो है ही नहीं कण कण में। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि उस समय जो खाते हैं लड़ते हैं, तो क्या यह सब भगवान करते हैं। उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहां की वहां रही, सिर्फ प्रजा बनती है। राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए, फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है। वहां कोई असुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। वहां बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे, तो बाप कहता शादी तो जरूर। यहाँ क्या कहते हैं, बाबा कहते यहाँ कहेंगे बच्चे की शादी नहीं करेंगे, तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी है, शादी बिगर दुनिया कैसे चलेगी, तुम्हारा आगे हम नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या होगा। बच्चा नहीं भी चाहता तो जबरदस्ती कर देते हैं, फिर उसके बाद में जितना और अधिक कष्ट होता है और दुख होता है। तो फिर कहेंगे कि हमने जहाँ कहा था वहां नहीं करी, इसीलिए फिर दुख हुआ, इसीलिए कष्ट हुआ। तो ना जाने फिर और कितनी परेशानी है। जरूरी नहीं है कि हर कोई, कम से कम जहाँ बच्चे मना करते हैं तो वहां तो पेरेंट्स उस बात को मान करके, उनकी बात को मान करके विकारों में नहीं जाने दिया, तो अच्छी बात है ना। बच्चा अगर सतमार्ग पर चल रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तो जरूरत नहीं है, वहां आप रोक सकते हैं। जहां बच्चा खुद ही जानता है, खुद ही करना चाहता, तो वहां आप जरूर उनका साथ दीजिए। तो इस तरह से आप रोक सकते हैं जहां बच्चा नहीं तैयार है, लेकिन नहीं। तो पापा कहते इस तरह से कह देते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे शादी ना करना तो अच्छा है ना, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते हैं अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी, जो दिन बीता वह कल्प पहले मुआफिक। रात को सोते हैं ख्याल चलता है, आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा, सिवाय तुम्हारे और किसको भी पता नहीं कि यह ड्रामा है, उसका आदि मध्य अंत क्या है कुछ पता नहीं है। तुमको मालूम है तुम पुरुषार्थ करते हो, और तो सब घोर अंधियारे में है, जो कुछ पार चलता है वह ड्रामा अनुसार।
आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते हो, वह भी कहेंगे ड्रामानुसार भोगना भोगनी है, कल्प कल्प ऐसे होगा। ड्रामा बुद्धि में है इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती, विघ्न पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी, आसार ऐसे मालूम पड़े हैं। उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं। बाबा कहते हैं एक जगह पर खड़े क्वेश्चन है, तो हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इम्तहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम याद यह पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। बाबा कहते कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, इस तरह से पिछाड़ी में पछताएंगे। बाबा की सहमत पर क्यों नहीं चले, बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव बस, और कोई चोरी चकारी कोई गलत काम कोई विकर्म यही सब तो मना करते हैं ना, यह सब करने नहीं कहते, तो क्या इस सब के बिना जीना आसान नहीं है क्या, उसके बावजूद भी और अच्छे रीति जी सकते हैं। तो बाबा कहते कितने प्यार से कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो, क्यों नहीं पुरुषार्थ करो, उच्च पद पाना चाहिए, उनको कहेंगे साया यानी सेंसिबल बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि यह श्रीमत पर नहीं चलते हैं, किसका कल्याण नहीं करते तो जरूर पद भी कम मिलेगा, जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहां प्रदर्शनी होती है तो वहां हाफ पे पर भी जाकर, हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं, है ना, आधे टाइम के लिए ऑफिस और आधे के लिए चले जाते हैं। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दें, शरीर निर्वाह तो चाहे 1,000 से करें चाहे 10 रुपए से करें, पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्चा होता है। बाबा तो कहते हैं भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। और देखिए ऐसा टीचर, टीचर से यदि आप 4 बार कोई बात पूछ लो रिपीटेडली रिपीट करके, तो टीचर आपको पनिश करेगा लेकिन आपको बताएगा नहीं। और यहाँ देखो ये टीचर ऐसा है कि जब कई कई कहते हैं कि बाबा रोज तो एक ही एक बात रिपीट करते हैं, कई मनुष्य आत्माएं समझते हैं, बाबा के बच्चे भी समझते हैं कि बाबा कई कई एक ही एक बात क्यों बार बार बोलते हैं, तो बाबा जानते हैं कि अभी ये जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने अभी धारणा नहीं की है, बच्चों ने ये जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो अभी कर्मातीत अवस्था आई ही नहीं है, कई बच्चे भूल जाते हैं, कई बच्चे धारणा नहीं करते और कई बच्चे तो बिल्कुल ही सुनते ही नहीं है, उबासी आती है नींद आती है तो धारणा कहाँ से होगी, तो कई कई तो मिस भी कर देते हैं, कोई बात नहीं आज नहीं कल तो सुनी थी, रोज रोज वही आता है, तो इस तरह से कई कई फिर सुनते ही नहीं है। और ये तो बाबा की पढ़ाई है, ये तो जीते जी जब तक है अभी जीवन तब तक पढ़ना ही है, तो बाबा कहते हैं इस तरह से कि बच्चे जो भूल जाते हैं तो मुझे बताना है ना, मैं टीचर हूँ, बाप हूँ, सतगुरु हूँ, हाँ सतमार्ग दिखाने वाला हूँ, सत्य पिता सत्य ज्ञान देता है आकर के, तो ज्ञान भी मुझे ही देना है और कर्मातीत भी मुझे ही बनाना है। और लौकिक जीवन में टीचर से आप 5th टाइम रिपीट कर दो तो पनिशमेंट मिलती है, यहाँ तो टीचर देखो खुद को चिंता है बच्चों की, है ना। ओम शांति। अच्छा बाप दादा का याद प्यार मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा।
मीठा मीठा प्यारा प्यारा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने बच्चों से कहा, सब फिकरातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल्प पहले मुआफिक, जो बीता सो बीता, कल्प पहले हुआ वही हुआ, और जो कल होगा वह भी हुआ था वही होगा, नथिंग न्यू। दूसरा बाबा ने कहा, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज का वरदान है, सर्वे स्व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो, एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।